नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं क्यों हनुमान जी के भक्तों को शनि दोष नहीं होता, उन्हें साढ़े सती का भय नहीं होता और क्यों दान किया जाता है सरसों का तेल शनिवार के दिन। शनिवार के दिन शनि देव की पूजा की जाती है और शनि देव को कर्मों का फल देने वाला देवता माना गया है। कहा जाता है जैसा आप कर्म करेंगे शनि देव भी आपको वैसा ही फल देंगे। इन्हें न्याय का देवता भी कहा गया है। हम अक्सर अपने घर और आसपास मौजूद मंदिरों में देखते हैं कि शनिवार के दिन मंदिर में तेल चढ़ाया जाता है। आइए शुरू करते हैं शनिवार के दिन तेल चढ़ाने के पीछे क्या मान्यता है। ज्योतिष के अनुसार सभी ग्रहों का संबंध मनुष्य के शरीर के अलग अलग अंगों के साथ होता है। शरीर के हर अंग का कारक अलग अलग ग्रह माना गया है। शनि ग्रह को त्वचा, दांत, कान, हड्डियों और घुटनों के कारक ग्रह माना गया है। कुंडली में शनि का दोष होने पर शरीर के इन अंगों पर बीमारियां अपना कब्जा जमा लेती हैं। शनि देव को शनिवार के दिन तेल अर्पित करने से और शरीर पर सरसों का तेल लगाने से बहुत फायदा मिलता है। आइए अब शुरू करते हैं एक कथा जिसके अनुसार हनुमान जी के भक्तों को शनि दोष नहीं होता। एक समय शनि देव को अपनी ताकत का बहुत घमंड हो गया था। वह खुद को बहुत शक्तिशाली समझने लग गए थे। वो लोगों पर अपनी अशुभ दृष्टि डालकर परेशान करने लगे थे। लेकिन उस समय में राम भक्त हनुमान जी के बल और पराक्रम की कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। शनि देव का घमंड इतना ज्यादा हो गया था कि एक बार वे हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकारने लगे। जब उन्होंने हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकारा, उस वक्त हनुमान जी भगवान राम के सेवा कार्य में लीन थे। उन्होंने शनि देव को युद्ध करने से मना कर दिया। घमंड में चूर शनि देव ने उन्हें दोबारा युद्ध के लिए ललकारा। इस बात से नाराज होकर हनुमान जी ने शनि देव को अपनी पूंछ में बांध लिया। कार्य समाप्त होने के पश्चात हनुमान जी ने शनि देव को अपनी पूंछ से मुक्त कर दिया। तब शनि देव को अपनी गलती का एहसास हुआ। हनुमान जी की पूंछ में बंधे होने के कारण शनि देव का शरीर बुरी तरह से चोटों से छिल गया था। हनुमान जी ने जब शनि देव की ऐसी दशा देखी तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने शनि देव को लगाने के लिए सरसों का तेल दिया। तेल लगाने से शनि देव के शरीर का दर्द दूर हो गया। इस घटना के बाद शनि देव ने हनुमान जी से क्षमा मांगते हुए वचन दिया कि आज के बाद शनि देव हनुमान जी के भक्तों को कभी परेशान नहीं करेंगे और कहा कि जो भक्त हमें शनिवार के दिन तेल चढ़ाएगा उसे कभी भी शनि दोष नहीं लगेगा, उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। इसके बाद शनि देव को तेल अर्पित करने की परंपरा शुरू हुई। तो भक्त जनों, इस प्रकार से हमने जाना कि हनुमान जी के भक्तों को शनि दोष क्यों नहीं होता और सरसों का तेल शनिवार के दिन दान करने का क्या महत्व है। कथा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको कथा पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय शनिदेव, जय हनुमान।